इस गाड़ी को इस सीसी में तो कोई ही नहीं हरा सकता, कोई भी बाइक लिया हो अपने। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो हम लोग आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो आप लोग देख रहे हैं हमारे सामने खड़ी है दो बेहतरीन गाड़ी, जो कि दोनों ही बहुत पुरानी गाड़ियां हैं, बॉक्सर और यमहा RX 100। दोनों ही 100 cc गाड़ियां हैं। इसकी खासियत तो आपको मालूम है, इसकी जो खासियत है चोरों के लिए बहुत फेमस, क्योंकि इसमें चोर लेके भाग जाते हैं चोरी करके, और इसलिए इसी वजह से ये गाड़ियाँ बंद हो गई थी। तो इन दोनों गाड़ी को हम लोग लेंगे रेस, करेंगे रेस। दोनों ही सेम बाइक, सेम सीसी और बहुत ही ज़बरदस्त। और एक चीज़ आपको बता दूँ, ये जो राइड होने वाली है सिर्फ फन के लिए और कोई नहीं, क्योंकि इन दोनों मीटर ख़राब है, दोनों बाइक का मीटर ख़राब है, कोई मतलब नहीं है। तो यादव मिश्रा बैठ चुके हैं अपनी गाड़ी में, बॉक्सर में बैठ चुके हैं, और मैं बैठूंगा RX 100 पे। तो राइड स्टार्ट करते हैं गाइस। हाँ, इस पे जो आगे लग रहे हैं उसमें एक आगे बांध। हाँ भाई, ये है थोड़ा सा। हाँ गाइस, एक चीज और बता दूँ, हम दोनों गाड़ी में अगला ब्रेक लगता ही नहीं है, पोटेंशियल तक नहीं टूटेंगे। हाँ, नॉर्मल भगाएंगे बस। चलो शुरू करते। हम लोग यहाँ पे रेस चालू कर दिए। इसका जो साइलेंसर है बहुत ही जबरदस्त बजता है। RX 100 की बात ही अलग है यार, जो चोरी करके भागने में भी बड़ा मजा आता था। ये हमारे यादव मिश्रा। RS की तो बात ही अलग है, पूछो ही मत। हालांकि दोनों का मीटर खराब है तो हमको मालूम नहीं है कौन सी गाड़ी कितनी भाग रही है, इसकी हमको अंदाजा नहीं है। ये भाई निकल गया बॉक्सर के साथ, लेकिन ये सिगरेट पी रही है क्योंकि ये गाड़ी का भी थोड़ा सा डिफेक्ट है। और ये गाड़ी भी बहुत ही जबरदस्त के साथ आगे निकलते हुए। भाई RS की तो बात ही अलग है। RX 100 बहुत ज़्यादा तगड़ी गाड़ी है, पुराने ज़माने की गाड़ी है। ये 1995 का मॉडल है, बहुत ही खतरनाक ज़बरदस्त। हालांकि ये भी बहुत धुआं दे रही होगी पीछे। तो गाइस, मैं इसकी थोड़ी सी साउंड सुनाता हूँ आपको, देखिए क्या बेहतरीन साउंड है। गाइस, यहाँ पे लग रहा था यादव मिश्रा बोला कि RX 100 हार जाएगी, लेकिन ये नहीं हारी, लेकिन यादव मिश्रा जरूर हार गया। छोड़ दे रहा था, बीच समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हाँ वो फुल थ्रोटल में भाग रही है, भाग देखता हूँ RX 100 को। भाई मस्त भागती है, भागा। अच्छा लेट भागा। तो गाइस यहाँ पे गाड़ी एक्सचेंज कर लेते हैं, अब ड्राइवर भी एक्सचेंज हो गया। थोड़ा सा इसका साउंड सुना ना, अपनी पब्लिक को साउंड सुनाते हैं थोड़ा सा। ये देखिए गाइस, मेरे को निकलने का मौका दिया। ये
भी कहो यार गाइस, यहाँ पे जो अपनी RX की बात ही अलग है, यमा गाड़ी ही इतनी तगड़ी बनाती है कि क्या बताएं। दोनों का मीटर खराब है, इस वजह से हमें ये नहीं मालूम कि कौन सी गाड़ी कितनी तेज भाग रही है। इसकी आवाज सुन के तो लोग पीछे मुड़ के देखते हैं कौन सी बाइक आ गई। आ रहा गाइस मेरा दोस्त यादव मिश्रा RX 100 के साथ तेजी से मुझे बीट करते हुए निकल गया। मुझे तो पहले ही मालूम था RX 100 तो जीत ही जाएगी, लेकिन यादविन भाई बोल रहा था कि बॉक्सर जीत जाएगी, लेकिन तो बोला अपना जो रेस है कम्प्लीट हो गया, जो फन के लिए राइड था वो भी हो गया। इसकी साउंड आप लोग सुने, इतना बेहतरीन साउंड है। हाँ, इस गाड़ी में पिकअप नहीं है, इसके बाद भी जीत रही है। या बिल्कुल बस हाँ भाई, मैं चलाया ना, इतना बेहतरीन सेक्सी फील हुआ कि क्या ही बताऊँ। इस गाड़ी को इस सीसी में तो कोई नहीं हरा सकता, कोई भी बाइक लिया आप नहीं हरा। तो यादव मिश्रा तुम तो बोल रहे थे कि ये बाइक जीत जाएगी, लग रहा था पिकअप उसने इतना तेज था शुरू में, तब क्या हुआ पिकअप ना होने की वजह से पिकअप वो तो फाड़ के रख देगी। हाँ पिकअप आती है सेकंड में। मेन चीज अपन को ये नहीं मालूम कौन सी गाड़ी कितनी भाग रही, क्योंकि दोनों का मीटर ही है जो खराब है। लेकिन ये कि ये जीतेगी ही जीतेगी। हाँ वो RX 100 यमहा है भाई, चोर लोग इसको इसलिए यूज करते थे चोरी करके, पुलिस वाले नहीं पकड़ पाते थे। 25 सीसी गाड़ी वगैरह सबको हरा के रख देगी। बहुत ही तगड़ी गाड़ी है। तो गाइस आज का ब्लॉग अपन यहीं पे समाप्त करते हैं, लेकिन इस गाड़ी के बारे में थोड़ी सी और खासियत बता दूं, 1995 का मॉडल है, दोस्त की है, वो मॉडिफाई करेगा। तो उसके बाद हम लोग लाएंगे फिर से इस गाड़ी के साथ एक नई गाड़ी और लाएंगे हम लोग, और कोई दूसरी गाड़ी जुगाड़ करेंगे। आप लोग बताइए पुरानी गाड़ी में कौन सी गाड़ी चाहिए आपको, किस गाड़ी का रेस चाहिए, कमेंट ज़रूर करें और हमें बताएँ। तो प्लीज़ सेफ राइड, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।